न्यूज़ देख रहे हैं आप नेक्स्ट टू नाइन न्यूज़ और बॉलीवुड स्टार लाइफ इस शो में है आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप जानते ही हैं, सुपरस्टार सलमान खान बहुत जल्द आप सभी के बीच फिल्म टाइगर 3 और अंतिम द फाइनल ट्रूथ के साथ नजर आएंगे। सलमान वो एक्टर्स है जो कि बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को लॉन्च करने में सबसे आगे अपना कदम रखते हैं। हमेशा उन्होंने एक एक्ट्रेस को लॉन्च किया था साल 2010, दबंग फिल्म, याद हो आपको। तो इस फिल्म में जब सोनाक्षी सिन्हा को सलमान ने लॉन्च किया तो सलमान सोनाक्षी की जोड़ी इस कदर पसंद की गई कि तब से लेकर आज तक इन 10 सालों में सोनाक्षी सिन्हा की करियर की पूरी स्टार्टिंग फेज से लेकर अब तक सलमान खान का सपोर्ट सोनाक्षी को हमेशा मिला है। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा सलमान खान की जोड़ी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की वजह से खान परिवार की तो फेवरेट बनी ही, फैंस के बीच भी काफ़ी राज कर चुकी है। लेकिन रियल लाइफ में ये दोनों अब तक मैरिड है। 55 की हो रहे सलमान खान भी अनमैरिड, 34 प्लस सोनाक्षी सिन्हा भी अनमैरिड, लेकिन उम्र में इन दोनों के 20 साल का गैप है जिसके कारण इनकी शादी होगी ये लोग बहुत कम बात करते हैं। वजह इसकी एक और बड़ी है क्योंकि सोनाक्षी ऑलरेडी कमिटेड हैं, ये बात उन्होंने खुद से भी स्वीकार किया है। दोस्तों आज हमारे इस प्रोग्राम में सोनाक्षी सिन्हा के कमिटमेंट से लेकर उनकी लव लाइफ की पूरी स्टोरी हम प्रेजेंट करने वाले हैं जो जुड़ा खान परिवार से ही है। सलमान नहीं तो कौन है वो जिनके साथ सोनाक्षी सिन्हा का नाम सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, जिनकी वजह से खान परिवार के साथ रिश्ते जोड़ेंगी सोनाक्षी, खान परिवार की ही बहू बनेंगी सोनाक्षी ये कह रहे हैं लोग। जानिए इस खास रिपोर्ट में सोनाक्षी की इंटरव्यूज, देखिए रिपोर्ट। इस बात पर यकीन करना कठिन है लेकिन सोनाक्षी सिन्हा के बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये सुनकर यकीनन आप सबको झटका लगेगा कि खान परिवार की बहू सोनाक्षी सिन्हा तो बनने जा ही रही है। कैसे किस तरह से आपको इसका जवाब हम देना चाहेंगे। दरअसल सोनाक्षी सिन्हा जो हैं सो रिश्ता रखती हैं बहुत गहरा खान परिवार से। अब तक आप सभी ने सोनाक्षी सिन्हा को सुपरस्टार सलमान खान के साथ बॉलीवुड टाउन में देखा और दबंग फिल्म में देखा, उन्हें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में देखा, मिसेस खान बने हुए फिल्मी पर्दे पर देखा, दबंग की मिसेस बनकर तो खूब राज किया है। आप सब की फेवरेट यानी कि वन एंड ओनली सोनाक्षी सिन्हा ने, लेकिन इसके अलावा भी इनका अंदाज बहुत निराला है। इसके अलावा भी वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिलों पर राज करती आई हैं अलग अलग अंदाज में। सोनाक्षी सिन्हा ने दबंग फिल्म में सलमान की पत्नी बनकर राज किया, 3-3 बार सलमान की पत्नी बनी है सोनाक्षी सिन्हा। लेकिन खान परिवार की बहू बनने की तरफ सोनाक्षी सिन्हा के अफेयर की चर्चा है। 34 साल की उम्र में खान परिवार की बहू बनेंगी सोनाक्षी सिन्हा, ये आपको हम जानकारी देना चाहेंगे कि अपनी करियर के 9 साल के स्पेस में सोनाक्षी सिन्हा ने कई स्टार्स के साथ लिंकअप की अफवाहों का सामना किया है। वैसे तो सब जानते हैं कि सही खान के साथ भी सोनाक्षी का नाम जुड़ा, कई सेलेब्स को डेट कर चुकी हैं सोनाक्षी ये कहा गया, लेकिन बंटी सचदेव की दुल्हन बनेंगी सोनाक्षी ये कहा जा रहा है क्योंकि इनके साथ रिलेशनशिप के कई खबरें उनकी आ चुकी हैं। सोनाक्षी सिन्हा के डेटिंग पर उनका क्या कहना है आपको बताना चाहेंगे। सोनाक्षी ने अपनी डेटिंग लाइफ पर, लव लाइफ पर, मैरिज प्लान पर कुछ बातें बताई थी। दबंग एक्ट्रेस ने बताया था, माय पेरेंट्स वांट मी टू डेट अ सुशील लड़का एंड नो वन फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इज लाइक दैट। अब आपको समझ सकते हैं कि इशारा किस तरफ किया है सोनाक्षी ने। सलमान खान ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें सुंदर और सुशील लड़की चाहिए घर परिवार के लिए और ऐसी उन्हें मिल नहीं रही है जिसके कारण वो शादी नहीं कर पाए हैं। अब खान परिवार में बच्चों की तरह हमेशा सोनाक्षी को ट्रीट किया गया और ये सोनाक्षी कहती हैं कि उनके परिवार वाले चाहते हैं कि सोनाक्षी की शादी उससे हो जो बहुत सुशील लड़का हो।
अब सुशील लड़का मिले कहाँ से, तो खान परिवार से ही ताल्लुकात हो सकता है सुशील लड़का का। सलीम खान के परिवार में सलीम सबसे ज्यादा सलमान खान के पिता ही हैं, जो सबसे ज्यादा सोनाक्षी सिन्हा को पसंद करते आए हैं। सबसे ज्यादा सोनाक्षी सिन्हा के साथ खान परिवार की जो बॉन्ड है बहुत खूबसूरत है। दबंग फिल्मों में सोनाक्षी को सलमान के मिसेज बनकर वो देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें परफेक्ट लगती है सलमान खान के लिए सोनाक्षी स्क्रीन पर, जिससे इशारा करते हैं वो कि रियल लाइफ में वो दोनों पसंद हैं। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे, शत्रुघ्न भी सलमान को बहुत पसंद करते हैं और शत्रुघ्न के परिवार का सलमान ने दबंग के तीसरे सिक्वल के रिलीज़ के बाद जो है एक प्रमोशन इवेंट रखा और अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसमें सलमान खान ने शत्रुघ्न सिन्हा, पूनम सिन्हा दोनों का स्वागत सोनाक्षी के साथ अपने घर पर हुई पार्टी में किया था बर्थडे के दौरान। अब सोनाक्षी सिन्हा के खुलासे की हम बात करेंगे। सोनाक्षी ने रिवील किया था कि हाँ वो डेट कर रही हैं, इंडस्ट्री में कई लोगों को डेट कर चुकी हैं और डेट कर रही हैं, लेकिन नाम नहीं बताना चाहती। सोनाक्षी ने अपने लव लाइफ पर बात करते हुए कहा था, आई हैव डेटेड अ सेलिब्रिटी एंड द वर्ल्ड डजंट नो। सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी लाइफ को बहुत लो प्रोफाइल रखा है। इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ शी कीप्स हर लाइफ सो मच लो मेंटेनेंस, शी कैन नॉट डील विद चीटिंग इन अ रिलेशनशिप, ये कहना है। सोनाक्षी ने कहा वो धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उन्हें पता चल जाए कि उनका बॉयफ्रेंड उन्हें चीट कर रहा है तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी, वो बिल्कुल भी ये सब देखना नहीं चाहती है। इसलिए अफवाहें उड़ी कि बंटी सरजदे, जो कि सुहेल खान के ब्रदर इन लॉ है, ऐसे में सीमा खान के भाई कहलाते हैं, उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा का रिश्ता है और इस पर उन्होंने कई बार इशारे किए। उन्होंने कहा था कि वो बहुत जल्द पूरी दुनिया को अनाउंस करेंगी कि वो शादी करने वाली हैं, जब उनके लिए तैयार होंगी। उन्होंने कहा, व्हेन इट्स फिक्स्ड आई माय सेल्फ विल अनाउंस इट टू द वर्ल्ड, जब शादी पक्की हो जाएगी मैं पूरी दुनिया को खुद ही बताऊंगी। सोनाक्षी ने कहा कि मैं भरोसा नहीं करती हूँ उस तरह की चीज़ों पर जिसे छुपाया जा सके, लाइक शादी जैसी चीज़ें। मैंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसमें मैं इन्वॉल्व रही हूँ और शादी की बातें भी हुई है सलमान के साथ, उनके रिश्ते पर उन्होंने इशारे किए। मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है कि शादी का प्लान कब करूँगी, सो आई डोंट नो वाई पीपल मेक सच अजम्पशंस, यानी कि सोनाक्षी की शादी की अफवाहें क्यों उड़ाई जाती है सोनाक्षी खुद नहीं समझ पाती हैं, जब तक उन्होंने शादी के बाद लोगों तक नहीं की है खुद से। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे सोनाक्षी सिन्हा के बारे में ये बात कि आपको मालूम ना हो, सोनाक्षी सिन्हा के लिंकअप की अफवाहें कई लोगों के साथ हुई हैं और कहा जाता है कि 3 साल पहले सोनाक्षी की शादी की तैयारियां हुई। करियर के 10 साल में सोनाक्षी सिन्हा ने जिस तरह से अपने करियर के फेज में बहुत राज किया, क्रिटिक्स ने उनकी ज़िंदगी में उनकी फिल्मों को बहुत पसंद किया है, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा का नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा है, ये बहुत कम ही लोगों को मालूम है कि वो अपनी लाइफ को प्राइवेट रखकर भी कई चीज़ें छुपा नहीं पाती। ज़हीर इकबाल के साथ सोनाक्षी सिन्हा का नाम जुड़ा था। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बेहद ख़ास दोस्त के बेटे हैं ज़हीर इकबाल। ज़हीर के साथ देखा जाए तो सोनाक्षी का नाम बहुत पुराना रहा है। नोटबुक से फिल्म में उन्होंने एंट्री की, लेकिन उनकी फिल्म खास नहीं चल पाई। सोनाक्षी को ज़हीर के साथ कई बार कई इवेंट में देखा भी गया। इसके अलावा बंटी सचदेवा के साथ सोनाक्षी को अक्सर स्पॉट किया गया है। जी हाँ, साल 2016 में बंटी सचदेवा और सोनाक्षी सिन्हा शादी की प्लान बना रहे थे, ये भी कहा जा रहा था, लेकिन फिर अलग होने की खबर आ गई, लेकिन सोनाक्षी इस रिश्ते को दूसरा मौका देने के लिए तैयार हुई। साल 2018 में फिल्म फेयर के ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बंटी और सोनाक्षी की राहें अलग हो चुकी हैं, हालांकि इन दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग नहीं हुई थी। शाहिद कपूर के साथ भी इनके नाम खूब जुड़े थे। कहा जाता है कि शाहिद के साथ भी सोनाक्षी सिन्हा जो हैं कई ऐसे काम कर चुकी हैं जिससे दोनों के अफेयर की चर्चा रही है। वैसे 13 साल की उम्र में सोनाक्षी सिन्हा को क्रश रहा है बॉलीवुड के एक मोस्ट हैंडसम एक्टर सुपरस्टार पर। इस बारे में उन्होंने रिवील किया था। वेटरन एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा और एक्ट्रेस पूनम सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा को ऋतिक रोशन पर क्रश रहा 13 साल की उम्र में, जब उन्होंने फिल्म कहो ना प्यार है ऋतिक का देखा। वो 13 साल की थी, ऋतिक उस वक्त 26 साल के थे, तब वो ऋतिक की दीवानी हो चुकी थी और साल 2000 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। सोनाक्षी ने इस बारे में कहा, वैसे तो सोहेल खान के ब्रदर इन लॉ यानी कि
सलमान खान की सिस्टर इन लॉ के भाई बंटी को डेट करने वाली सोनाक्षी सिन्हा जो हैं उनके साथ रिश्ते को लेकर कई बार सामने आ चुकी हैं। सोना के नाम यानी कि सोनाक्षी सिन्हा का नाम जो है अर्जुन कपूर रणवीर सिंह के साथ भी जुड़ चुका है। हालांकि इन सब के साथ इनका नाम हट गया क्योंकि अर्जुन मलाइका को डेट कर रहे हैं। रणवीर ने दीपिका से शादी कर ली और शाहिद कपूर ने तो मीरा राजपूत के साथ अपना रिश्ता बहुत बेहतरीन चलाया है। अब दबंग थ्री में सलमान के साथ नजर आने के बाद सोनाक्षी सिन्हा जो है जिस तरह से फिर से बंटी के साथ रिश्ते को लेकर चर्चा में है। सलमान खान के इस रिश्तेदार के साथ यानी कि सबसे ज़्यादा बंटी के साथ उनका नाम सबसे चर्चा में है। वैसे तो सोनाक्षी सिन्हा के इस रिश्ते से कोई आपत्ति किसी को नहीं। तो जाना आप सभी ने बॉलीवुड में सोनाक्षी सिन्हा का नाम बाकी स्टार्स के साथ खास तौर पर उनकी लव लाइफ को लेकर क्यों चर्चा में रहा। सलमान के साथ सोनाक्षी की बॉन्ड भले ही बहुत स्ट्रांग हो लेकिन इन दोनों के बीच बहुत स्पेशल बॉन्ड होने के बावजूद ये दोनों अपनी लव लाइफ को लेकर फिलहाल ऑफिशियल स्टेटमेंट ना कर प्राइवेट अपनी लाइफ को लगकर करके काफ़ी सवाल खड़े करते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि बंटी की मिसेज बनेंगी या नहीं सोनाक्षी, क्योंकि लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट तो ऑलरेडी कर लिया है। खान परिवार में वो काफ़ी चहेती ऑलरेडी बन चुकी हैं। फिलहाल वक्त हो गया है लेने का इजाज़त, लौटेंगे जल्द स्टार लाइफ के नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। तो आप तब तक के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।